तो लगातार जो बाल विवाह के मामले हैं वो पानीपत में देखने को मिल रहे हैं, और आज बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता वार्ड 3 में पहुंची है। वार्ड 3 की बधावा राम कॉलोनी की तस्वीरें हैं। आज यहां पर जागरूकता रैली निकाली जा रही है, और देखिए बाल विवाह अधिकारी हैं रजनी गुप्ता, वो हरी झंडी बच्चों को दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो बाल विवाह के मामले हैं वो पानीपत में देखने को मिले हैं। हाल ही में कई मामले जो है बाल विवाह के वो पानीपत में देखने को मिले थे, और आज बच्चे जो है इसको लेकर जागरूकता रैली वार्ड 3 की बधावा राम कॉलोनी में निकाल रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके। और आज शहर में जागरूकता रैली लिए निकाली जाएगी, ताकि शहर और आसपास में बढ़ते जो बाल विवाह के मामले हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि बाल विवाह के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब बाल विवाह अधिकारी रजनी गुप्ता खुद गलियों में पहुंच रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, ताकि इन बढ़ते बाल विवाह के मामलों को रोका जा सके। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको पानीपत के वार्ड 3 से दिखा रहे हैं। वार्ड 3 के ये तस्वीरें हाल ही में बाल विवाह के कई मामले जो है वो देखने को मिले थे, कैसे इन बढ़ते बाल विवाह के मामलों को रोका जाए, कैसे इनमें कमी लाई जाए, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे छोटे ये बच्चे आप देख सकते हैं ये आज जागरूकता रैली निकालकर संदेश दे रहे हैं, ताकि बाल विवाह के जो मामले हैं उनको रोका जा सके। जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की जो उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उनके पैरों में जंजीरें डाल दी जाती है, और जीवन भर वो लोग बच्चे परेशान रहते हैं। सबसे पहले देखिए हरी झंडी दिखाई जाएगी, और ये बच्चे गली गली जाकर लोगों को संदेश देंगे कि बाल विवाह को रोका जाए, बाल विवाह के गंभीर परिणाम जो है वो बाद में देखने को मिलते हैं, घरेलू झगड़े बाद में देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में बाल विवाह की जंजीरें बांध दी जाती है, और बाद में इसके परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि लगातार इस तरह के जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी किए जाते हैं, बावजूद उसके भी लोग को मिलती है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आज खुद बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता है, वो बच्चों के बीच में पहुंची है, और हरी झंडी दिखाई जा रही है, ताकि इन बढ़ते बाल विवाह के मामलों को रोका जा सके। दर्शकों से अपील की वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि लगातार कई जो मामले हैं वो पानीपत में देखने को मिले थे। तो तमाम ये जो बच्चे हैं वो देखिए अब गलियों में जाएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, हम क्या कहना चाहेंगे देखिए ये ह्यूमन पीपल टू पीपल का जो संभावना के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि अधिकतर जब हमें बाल विवाह की शिकायतें आती हैं तो इस तरह की लोकेलिटी से आती हैं, और स्पेशली इस तरह के बच्चों को जागरूक करना, जो बच्चे चाइल्ड लेबर से कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं,
तो यानी इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसे आती हैं कि इन्हीं बच्चों का बाल विवाह किया जाता है, और ऐसे में इन्हीं बच्चों को जागरूक करना और एक रैली के माध्यम से इस कॉलोनी में निकालना ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे जागरूकता ज़रूर आएगी। अभी एक छोटी बच्ची की शादी हो रही थी अभी। हाँ, अभी अभी कुछ समय पहले ही हमें सूचना मिली थी इसी एरिए से कि एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा है, और उस बच्ची की उम्र 12 साल मिली थी, और फिलहाल उस शादी पर रोक लगा दी गई है और आगे की कार्रवाई अभी उसमें चल रही है। अभी भी हम देख रहे थे कॉल आपके पास बार बार आ रही थी, शायद आज भी कोई। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब मैं बच्चों से बातचीत कर रही थी तो बीच में बार बार फोन बज रहे थे, तो कहीं बड़ी अननोन कॉल थी, तो हो सकता है कि कोई ना कोई उसमें बाल विवाह की सूचना भी हो, और अभी आज भी एक सूचना आई हुई है मेरे पास बाल विवाह की, तो अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं, बच्चे इस तरह के जो कार्यक्रम वो भी कर रहे हैं, फिर भी लोग कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में इस तरह की जो जंजीरें हैं वो बांध देते हैं, बाद में इनके गंभीर परिणाम भी देखने को। हाँ, देखिए, क्योंकि कानून जो है अभी अब काम कर रहा है, अभी कानून की काम कर रहा है कि घर घर जाके इस तरह से जागरूकता रैली के माध्यम से NGO के माध्यम से लोगों को शादी रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों में डर होता है या कोई सामाजिक असुरक्षा होती है बेटियों को लेकर, जिसके कारण से बाल विवाह किए जा रहे हैं। इसी के चलते हैं जो हरियाणा सरकार ने बाल विवाह को बहुत ही सख्त किया है, और अभी पिछले साल 2 अगस्त के बाद यदि कोई बाल विवाह हो जाता है तो हरियाणा सरकार ने ये बिल लेकर पारित किया है, कानून बनाया है कि वो बाल विवाह जो है वो रद्द माना जाएगा। क्या माने भाई, जो घरेलू कलह है या पति पत्नी की जो अनबन है, ये कारण बाद में जाके इस तरह के जो कारण सामने। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं पति पत्नी की अनबन होती है, बच्चे जो है वो माँ के पास रह जाती हैं या पिता के पास रह जाती है, तो वो उनके लिए एक जिम्मेवारी बन जाती है, तो इसमें वो बाल विवाह कर देते हैं। एक मैंने आपको बताया कि सामाजिक सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है, एक गरीबी बहुत बड़ा कारण है, दूसरा एक आटा साटा की प्रथा रहती है कि चलो बड़ी बहन के साथ हुई तो छोटी बहन की बेटी की भी शादी कर दी, तो इस तरह के बहुत से सामाजिक कारण सामने निकल कर आते हैं। तो चलिए, तो ये तस्वीरें हमने आपको वार्ड 3 से दिखाई, जहां आज बाल विवाह को लेकर बच्चों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई थी, और हमारे साथ सुधा जा है बाल सुरक्षा अधिकार समिति की ये जो टीम है वो आप देख सकते हैं, लगातार इस तरह के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। सुधा जी, क्या कहना चाहेंगे, हाल ही में कई मामले जो हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसी वजह से आज हम लोगों ने बाल अधिकार सुरक्षा समिति और हुमाना की संस्था की जो संभावना स्कूल है इसके अंतर्गत हमने बाल विवाह रोकथाम के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है, क्योंकि गलियों में मोहल्ले में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है जो बाल विवाह एक अपराध है और इसके अंतर्गत क्या क्या सजा का प्रावधान है और इसकी सूचना कैसे दी जाती है, बाल विवाह कैसे रुकवाया जाता है। तो इसीलिए आज हमने यह जागरूकता रैली रखी है, जिसमें रजनी मैम आई थी और उन्होंने काफी अच्छे संदेश दिए हैं। हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट हेड दिल्ली से आई हुई है सुमित्रा मैम, आगे की जानकारी आपको। तो ये कई इस तरह के जो मामले हैं वो जी हम जागरूक होने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इस तरह की गलती ये हम देखते हैं कि हमारे समाज में काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, जागरूक भी हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे अपराध जो हैं पनपते हैं, होते रहते हैं, तो इनको रोकने के लिए हमने हमारे पास जो है संभावना स्कूल है जिसमें 200 स्टूडेंट इनरोल हैं, जिसमें 50-60% गर्ल्स हैं, तो उनको हम कैसे अवेयर करें, क्योंकि इन गर्ल्स को भी हमें इनका जो फ्यूचर है वो भी देखना है और इनके परिवारों को अवेयर करना है। आसपास के जो पानीपत में इतने केस जो आ रहे हैं हमारे सामने देखने को मिलते हैं, तो उनको हम कैसे रोकें और इन गर्ल्स को कैसे अवेयर करें, लड़कियों को हम अवेयर करके शिक्षा से उनको जोड़ें और शिक्षा इनको देकर, क्योंकि मेन जो है वो शिक्षा ही है, शिक्षा से ही सब कुछ हम बदल सकते हैं। तो ये जो रैली हम निकाल रहे हैं ये इसी के लिए निकाल रहे हैं कि हम कैसे हम इसको रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से लोग लालच के लिए इस तरह के काम करते हैं, अभी उन लोगों को कैसे रोका जाए। देखो, कहीं ना कहीं ये है कि समाज में हमें जागरूकता फैलानी होगी, जो है लालच के काफ़ी समाज में लोग ऐसे मिलते हैं लालची, जैसे कि अभी बच्चों ने नाटक के द्वारा आपको बताया भी था, और कैसे लालच के लिए बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और एक थोड़े से लालच की वजह से पूरा बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो अभी हमें यह है कि रैली के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि इस तरीके के एक्शंस हम करें और समाज में जो हमारे आसपास में जो हमारी कम्युनिटी है उसमें एक जागरूकता हम लेके आए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों से अपील की वीडियो को आप साथ के साथ शेयर करें। आज पानीपत वार्ड 3 की भदावाराम कॉलोनी में बाल विवाह रोकने के लिए जो जागरूकता रैली है वो निकाली गई है।